हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज हम बात करने वाले हैं ऊबर में गाड़ी अटैचमेंट को लेकर के। ऊबर में आप अगर कोई भी गाड़ी अटैच कर रहे हैं उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ। काफ़ी भाई उल्टी सीधी गाड़ियाँ अटैच कर देते हैं, बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, उसे कॉमेंट भी करना पड़ते हैं कि इस चीज़ का प्रॉब्लम जो है वो किस तरीके से सॉल्व होगा। अगर आप स्टार्टिंग में अगर कोई भी गाड़ी आप ओनर हैं, गाड़ी ऐड कर रहे हैं, ऊबर में चलाना चाह रहे हैं, ऊबर के अंदर आपको गाड़ी ऐड करनी है, अटैच करनी है, ऑनलाइन करनी है, किसी एजेंट से करानी है, तो सबसे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं उनको आपको ध्यान में रखना है और उस टाइप से आपको अपना जो भी स्टेप बाई स्टेप काम करने का होता है, ऐड करने का, वो सारे फीचर्स को चालू करना है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन सी होती हैं, कौन सी नहीं होती हैं, वो सारी चीज़ बताने वाला हूँ आज के ब्लॉग के अंदर। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी गाड़ी अटैच कर रहे हैं ऊबर में, आप खुद से ऑनलाइन अटैच कर रहे हैं या फिर आप ओला या फिर ऊबर के ऑफिस पे जाके अटैच कर रहे हैं, तो आप आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, उनको आपको हमेशा ध्यान में रखना है, चाहे आप खुद करो या फिर आप ऑफिस में जाकर किसी एजेंट से थ्रू आप गाड़ी को ऐड करवाने वाले हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर, उसके साथ साथ आपका व्हाट्सअप नंबर, आपका पेटीएम अकाउंट जो गूगल में मतलब पेटीएम जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वो, आपका बैंक अकाउंट या फिर आपका जो मेल आईडी और एक पासपोर्ट, इन सारी चीज़ों को, और ये पांच छह जो ऑप्शन है इन सारी चीज़ों के आपके लिए बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट, आपको कहने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इनमें से बात करें अगर आपको कहोगे आसिफ भाई व्हाट्सअप की क्या ज़रूरत है, व्हाट्सअप की मतलब क्या काम का आएगा, या फिर आपको पेटीएम कहोगे पेटीएम आसिफ भाई किस क्या काम में आएगा, तो इन दो चीज़ों का ना आप व्हाट्सअप मतलब इग्नोर कर सकते हो, इसकी जगह अब आप दूसरा ऑप्शन यूज कर सकते हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आप व्हाट्सअप यूज़ करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कोई कंप्लेंट्स है, कोई आपकी प्रॉब्लम्स है, आपको बिलिंग को लेकर के कोई इशू आ रहा है, कम बिल बना है, तो आपको वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के आप जब कस्टमर केयर में किसी मतलब ऊबर के पार्टनर केयर में आप जब अपनी प्रॉब्लम को बात करेंगे तो वहाँ पे स्क्रीनशॉट विद प्रूफ मांगे जाते हैं। तो उसके लिए अगर आपके पास व्हाट्सअप होगा तो आपने तुरंत सेंड कर देना है उसी टाइम ऑन द स्पॉट चालू कॉल के अंदर, अगर आप व्हाट्सअप वहाँ से आपका ऐड होगा तो। दूसरा आपका पेटीएम का ऑप्शन कर लें। पेटीएम क्यों काम आने वाला है, क्योंकि पेटीएम आपका जब आप काम करेंगे ऑनलाइन जितना भी पेमेंट होता है आपके पास 600 जब आपके पास हो जाएगा उसके बाद आपकी जो कैश बुकिंग होती है वो आपका पास आना बंद हो जाएगी, ओनली आएगी वो ऑनलाइन बुकिंग। तो जब कब आपका 600 तक ऊबर का पेमेंट है मैक्सिमम, ऊपर नीचे कुछ चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद आपके पास कैश बुकिंग आना बंद हो जाएगी, तो जो भी बुकिंग्स आएगी वो ऑनलाइन आएगी। अब ऑनलाइन आएगी तो कम आएंगी, कैश आएंगी तो ज़्यादा आएगी, वहाँ पर आपका बिजनेस ख़राब होगा, टाइम ख़राब होगा, ऑनलाइन कब आएगी कब नहीं आएगी तब तक आप वेट करते रहेंगे। तो उसके लिए अगर आपको पेटीएम थ्रू आप अगर पेमेंट करते हैं ऊबर का जो भी कमीशन होता है तो जल्दी से पेमेंट हो जाता है, कम टाइम में आपका पेमेंट हो जाता है और अपडेट भी जल्दी हो जाता है। माना अगर आपका जो पेमेंट है ऑनलाइन आपके ऊपर ज़्यादा हो गया है तो वो ज़्यादा ना होने दें जब तक आपके पास मैसेज आने का टाइम, बहुत सारे ड्राइवर्स भाई टाइम देखते हैं कि हमारे पास मैसेज आएगा जब उसके बाद पेमेंट करेंगे, मैसेज आने के बाद आपको कम से कम जब पेमेंट करेंगे पेमेंट अपडेट होने के बाद आपको 2 घंटे के बाद आपको कैश ट्रिप स्टार्ट होगी। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको पेटीएम आपका जो पेमेंट है क्रॉस जा रहा है वहाँ से उससे पहले आप तुरंत पेमेंट कर दें, भले आप डेली करेंगे 200 करेंगे 300 करेंगे वो भी आपको करते रहना चाहिए ताकि आपकी कभी भी कैश ट्रिप जो होती है ना वो बंद ना हो। अब तीसरी ऑप्शन आपका मेल आईडी, जब भी आपको एक मेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको जब भी मतलब मोबाइल चेंज करना है या कुछ भी करना है, लॉगआउट मार के लॉगिन करना है, दोबारा से इंस्टॉल करना है, या तब आपको मेल आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो 4 से 5 चीज़ें जो भी हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। और बात कर लेते हैं हमको गाड़ी किस टाइप से लगानी है, अगर आप खुद लगा रहे हैं तब आप ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं, उसका मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको किस टाइप से अपनी गाड़ी को ऐड करना है, चाहे आप ऑटो अटैच कर रहे हो या फिर आप कैब कर रहा हूँ या फिर आपको बाइक अटैच कर रहा हूँ। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको पीछे बताई हैं, इन ये सारी चीज़ें जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इम्पोर्टेंट, वो सारी चीज़ें ऑटो बाइक और कैब के अंदर
लगने वाली है, सेम प्रोसेस होता है, सेम सारा कुछ, सेम टू सेम आपको लगेगा, ठीक है। तो दूसरी अब मैं बात कर लूँ, आपको गाड़ी किस टाइप से लगानी होती है, अपना लॉगिन साइनअप अकाउंट किस टाइप से करना है, गाड़ी किस तरह से ऐड करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आएंगे वहाँ पे वो फिल करने हैं। तो चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन लगाए, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद आपको दूसरा नंबर आएगा, दूसरा पेज ओपन होगा, वहाँ पर आपको अपना जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है वो आपको फिल करना है। मैंने आगे का प्रोसेस इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि पर्सनल डिटेल होती है वहाँ पे, वो चीज़ आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। तो जब आपका होम पेज इस टाइप का आ जाएगा तब आपको यहाँ का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ क्या आपको करना है। तो इस टाइप का आपके पास होम पेज आ जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या फिल करना है वो चीज़ आप देख लीजिए, और इसके बाद आपका कॉन्टेक्ट नंबर फिल करने के बाद OTP आएगा, OTP फिल करने के बाद आपको इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है ईमेल एड्रेस, तो जो भी आपकी मेल आईडी है वो आपको डाल देनी है। कोई भी एक मेल आईडी आपको जो कंटिन्यू रखनी है वही आपको फिल करनी है इसमें। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन पूछेगा कि आप किस स्टेट में, कौन सा सिटी है आपका, वो यहाँ पर आपको डालना होगा। तो एग्जांपल करके लिए मैंने अहमदाबाद डाल दिया, वहाँ पे आप अहमदाबाद डाल सकते हैं। दूसरा, आपको अगर कोई भी रिफ़ल कोड अपना बनाना है, किसी ड्राइवर्स के लिए बनाना है, तो आपका अपना रिफ़ल कोड भी बना सकते हैं, यहाँ पर आपका डाल के कुछ भी डाल दीजिए, AD 123, फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन कर देना है यहाँ पर। अब जब नेक्स्ट ऑप्शन आप कर देंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। अब क्या करना है आपको, पहले ऑप्शन में आपको क्लियर ही दिख जाएगा आपको किस किस चीज़ में काम करना है वो चीज़। पहला ऑप्शन है आपका कार का, अगर आप कोई भी कार ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप कार ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन आपका आता है वो आता है बाइक का, ये जो बाइक का ऑप्शन दूसरा आपका बाइक है विदाउट कॉमर्शियल। अगर आपका तीसरा, अगर येलो नंबर प्लेट का आपका कोई बाइक है तो उसमें आप कॉमर्शियल मोटो बाइक के ऑप्शन में आप क्लिक करके यहाँ पर अपनी बाइक को अटैच कर सकते हैं, कॉमर्शियल बाइक। और यहाँ पर दूसरे ऑप्शन पे विदाउट कॉमर्शियल बाइक, जो वाइट नंबर प्लेट की होती है वो तीसरे नंबर पे आ जाता है। लास्ट में चौथे नंबर जो है यहाँ पर आपको ऑटो रिक्शा का आपको मिल जाता है, अगर आप कोई भी ऑटो अटैच करना चाह रहे हैं वो। तो हम क्या अटैच करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कैब को। तो हमारा जो कैब है ना, वो कैब किस टाइप से अटैच होगा, तो हमको कैब के ऑप्शन पे पहले क्लिक करना और दूसरे ऑप्शन पे यहाँ पे कंटिन्यू जो लिखा है, कंटिन्यू वाला, इस पर क्लिक कर देना है। तो कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज अपनी सेट करनी है, जो भी आपकी लैंग्वेज आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लैंग्वेज रख सकते हैं। मैं अपना इंग्लिश रख लेता हूँ, तो मैंने इंग्लिश करके यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन चॉइस कर दिया है। इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं जो भी आप नाम डालेंगे वो यहां पर आ जाएगा। फिर यहां पर आप देख लीजिए प्रोफाइल फ़ोटो पहला है, आपको प्रोफाइल फ़ोटो आपकी जो चेहरे की फ़ोटो है वो यहां पर सबमिट करनी है। दूसरे नंबर पे आपको ड्राइविंग का लाइसेंस फ्रंट पेज वहां पे आपको सबमिट करना है। तीसरे में आपको लाइसेंस ही आपका बैक साइड का जो पीछे का भाग है वो लाइसेंस आपको डालना है। चौथे ऑप्शन में आता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी बुक यहाँ पर आपको सबमिट करनी है। फिर पांचवें नंबर पे आता है आपका व्हीकल इंश्योरेंस, आप यहाँ पर व्हीकल इंश्योरेंस अपना सबमिट करेंगे। चौथे पे आता है आपका व्हीकल परमिट, यहाँ पर ये सारी चीज़ों को आपको फिल कर देना है। तो चलो देखते हैं हम भी ट्राई करके हम कहाँ तक जाते हैं, लेकिन हमारा ये वीडियो एक डेमो की टाइप है, तो हम डेमो के टाइप ही इसको यूज़ करेंगे।
यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी है, जब भी आपका फेस लेंगे ना तो ये राउंड अप, मतलब मैं आपको दिखा दूँ, ये जो राउंड अप आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर ही आपका चेहरा आ जाना चाहिए, आप समझ गए हो ना। तो जिस तरीके से मैं अपना चेहरा यहाँ पर ले रहा हूँ, इसमें पूरा चेहरा आना चाहिए, नहीं तो ये रीटेक मारेगा बार बार। चलिए हम बाद में इसको करेंगे, फिर देखेंगे क्या ऑप्शन आता है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा कैमरा की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी, फिर भी ये अपडेट हो गया है। तो ये वाली चीज़ अपडेट होने के बाद आपको क्या डालना है, बैक साइड, ड्राइविंग लाइसेंस, चलिए हम डाल देते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। तो जब तक हमारा ये अपडेट हो रहा है, फिर देख लेते हैं इसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है। ये मत कहना कैसे भाई आपने ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो नहीं डाला, क्योंकि देखना चाह रहे हैं ये लेगा क्या नहीं लेगा। तो हमको कोई भी एक, मतलब एक किसी एक पेपर की ज़रूरत पड़ेगी शायद, हो गया। तो हम एक ये डेमो बना रहे हैं, ठीक है, ताकि आप समझ सको। यहाँ पर हमको डालना है फ्रंट, वहाँ पे हमने पहले डाल दिया, बाद में इसको डालते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी नंबर लिख देना है, आपके लाइसेंस का नंबर मांगेगा, क्योंकि हमारे फ़ोटो नहीं डाला है, क्लियर पिक्चर नहीं आई है, इसके लिए आपको कुछ भी नंबर आपके लाइसेंस के डाल के सबमिट कर देने हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी आपका नंबर है वहाँ पे सेंड कर देना है, कोई भी एक नंबर डाल देना है। चौथे नंबर पर आपको जो भी गाड़ी का नंबर है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी बुक, लाइसेंस प्लेट नंबर आपको डालना है, कोई भी गाड़ी का आपको मिल जाए, आपकी जो गाड़ी है वो आपको अपना नंबर सबमिट करना है। ऑप्शन माना मेरी गाड़ी कोई भी एक ले लेता हूँ, मतलब जीजे ले लेता हूँ, ठीक है। फिर कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। ये हो गया कंप्लीट। ठीक उसी तरीके से आपको व्हीकल का इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, जो भी होता है आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होगा, कॉमर्शियल गाड़ी होगी, उसका आपको एक पिक्चर डाल देना है। फिर इसको सबमिट कर देना है। मैं अपने कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं डाल रहा हूँ, एक डेमो की तरह आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको समझ लें कि हमको यहाँ पर क्या क्या डालना होता है, वो ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं है और मैं आपको कोई गाड़ी, आप यहाँ पर डालना है हमको व्हीकल परमिट। तो ये चीज़ें तो आपको नॉर्मली समझ जाएंगे कि हमको क्या क्या, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ आ रही है उसको हमें किस तरीके से फिल करते रहना है, ताकि जो भी चीज़ें आ रही हैं वहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। लेकिन जो भी आप किसी डॉक्यूमेंट्स का पिक्चर्स ले रहे हैं, वो चारों कोने आपको बिल्कुल परफेक्टली या क्लियर दिखने चाहिए, क्योंकि ऊबर
आपका परफेक्टली उसको वेरिफिकेशन करता है वहाँ पर। तो इस चीज़ को देखते हुए आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो हमने अपना जो भी व्हीकल था वो हमने ऐड कर दिया है व्हीकल परमिट, और यहाँ पे हमने कर दिया ओके। अब यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। देखो हमने जो भी चीज़ें डाली यहाँ पे, हमने लैंग्वेज सर्च की तो इसी टाइप को लेकर के आपको जो नीचे दिख रहा होगा ग्रीन कलर का सिंबल, तो ये सारी चीज़ें जब अपडेट होंगे सबमिट, तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपकी निकल के आ जाएंगी। अगर आपको कॉन्टेक्ट करना है व्हाट्सअप, आपको यहाँ पर दिखा रहा ना, मैं आपको बोला था कि आप अगर व्हाट्सअप करेंगे तो यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए कस्टमर केयर मतलब ओला के जो भी एम्प्लॉय होते हैं यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, और ऊपर में लिखा है हेल्प वाला, यहाँ से आप इजी तरीके से आप अपना पेज बना के ओपन कर सकते हैं। और जो भी गाड़ी के रिक्वायरमेंट होगी, जैसे ही जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे जाते जाएंगे, आपका ड्राइवर, गाड़ी नंबर, सारी कुछ बैंक की इंफॉर्मेशन सब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आके निकलने लगेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये सारी चीज़ें हमारे को एक चीज़ यहाँ पर अड़ रही है, वो है लाइसेंस को लेकर के। तो यहाँ पर एक लाइसेंस नंबर मांगा जा रहा है, अब हम लाइसेंस नंबर कैसे बनाएं वो देख लेते हैं, ताकि आप ये ना बोलो कि क्या चीज़ रह गई। इस टाइप का कोई भी एक नंबर आएगा उससे पहले सबमिट नहीं लेगा, क्योंकि नंबर यहाँ पे क्लियर ही होगा, इसके लिए अपडेट में नहीं लेगा। मैं नंबर डाल रहा हूँ फेक, तो इस चक्कर में ये नहीं ले रहा है। आप अपना नंबर जो भी होगा वो आपको रियल डालना है, रियल डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है, वहाँ से आपको सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी किस टाइप से आपको आगे का प्रोसेस करना होगा। आगे का प्रोसेस कुछ नहीं है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे सबमिट कर देना है, जो स्टेप बाय स्टेप निकलेंगे वहाँ से सारी चीज़ का वेट करना है। और जो मैंने आपको बता दिया ग्रीन, जैसे ही आपको ग्रीन का ऑप्शन आएगा वो सारी चीज़ें आपकी सबमिट हो जाएंगी। यहाँ पे आपको एक चीज़ और रखना है, अगर आप ऊबर का एक कोई भी अकाउंट बना रहे हैं गाड़ी लगाने के लिए, तो आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज का कोई केस होगा ऑनलाइन होगा, तो वहाँ पर आपको अपना PCC सर्टिफिकेट ज़रूर रखना है, क्योंकि अगर वेरिफिकेशन होता है और आपकी ID कैंसिल होती है, रिजेक्ट होती है, तो दोबारा कभी बनेगी नहीं। तो ये सब अगर आपको मालूम है कि हमारे मेरे ऊपर कोई भी केस है, कोई छोटी मोटी केस है और वो ऑनलाइन पड़ी हुई है, हटी नहीं है, तो इस चीज़ को लेकर पहले आप इन्फॉर्मेशन निकाल लें, उसके बाद अगर आता है तो PCC सर्टिफिकेट का ऑप्शन आप साथ में सबमिट करा दें, ताकि आने वाले टाइम पे जब आपकी ID ओपन हो तब वो रिजेक्ट ना हो उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि काफ़ी सारे ड्राइवर भाइयों की ID रिजेक्ट हो जाती है एक छोटी सी प्रॉब्लम लेके, लेकिन उनको मालूम होता है मेरा केस वेस तो है नहीं, वो जो था वो प्रॉब्लम सोल्व हो गई, लेकिन वो केस ऑलरेडी वहाँ पे ऐड होता है। तो वहाँ पे आप PCC सर्टिफिकेट यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इस चीज़ को लेकर के आप यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आगे का ऑप्शन आप स्टेप बाई स्टेप निकलेंगे, अगर ड्राइवर ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ पर ड्राइवर का ऑप्शन आ जाएगा, सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर आ जाएंगी, बैंक अकाउंट, पासबुक, चेक और बाकी के आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सारी स्टेप बाय स्टेप आ जाएंगे। यहाँ तक मेरा जो थी था वो आपको एक डेमो के रूप में आपको बताने के लिए था थोड़ा सा, क्योंकि आगे तक डॉक्यूमेंट पहुँचने के लिए मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है और रियल में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इस टाइप के कोई भी कॉन्टेंट मतलब नहीं बना पाता है, क्योंकि अगर उसके पास कोई गाड़ी है तभी रियल वो बना पाएगा, बाकी डेमो होते कहीं से डाउनलोड किए हुए ऑनलाइन मिल जाते हैं। मैं भी चाहता अगर डाउनलोड करके आपको स्क्रीन पे दिखा देता तब भी आपको वो रियल लगते, लेकिन मैंने आपको वो चीज़ नहीं दिखाई है, इसके लिए यहाँ तक आपको सबमिट किया जो भी यहाँ तक होते हैं। आगे इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप ओपन होते जाएंगे, पेज मिलते जाएंगे, आप अपना सारी चीज़ें सबमिट करते जाएंगे, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आपका अप्रूवल तुरंत मिल जाएगा। इन चीज़ों को खाली ध्यान में रखना है जो चीज़ें मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई हुई है। आप चाहे कार अटैच कर रहे हो या फिर आप बाइक अटैच कर रहे हो, चार ऑप्शन दिए जाते हैं, कॉमर्शियल बाइक, प्राइवेट बाइक, ऑटो और कार। इन चीज़ों में आप कोई भी गाड़ी अटैच करेंगे सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन आ जाते हैं,
उसी पे आपको ध्यान में रखना है, उसी के आपको काम करते रहना है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।